कहना सुनना ये तो हम लोग कालक्षेप कर रहे हैं। हम लोग बैठे हैं, हमारी कहाँ इतनी गरिमा, हम में कहाँ इतना हिम्मत, हम में इतना कहाँ साहस कि हम भागवत कहें, और महाराज भागवत के श्रोता भी कहाँ हैं, कौन सुने कौन कहे। पर यही बात है, आकाश बड़ा है पर अपने अपने पंखों के अनुसार उड़ना है। गौरैया अपने अनुसार उड़ेगी, बाज अपने अनुसार उड़ेगा, चिल अपने अनुसार उड़ेगा और कौआ अपने अनुसार उड़ेगा। पर मैं इतना जानता हूँ कि हम सब तो तोता हैं सुखदेव की तरह, महाराज सुखदेव की तरह उड़ रहे हैं, उनकी कृपा से जितना उड़ पाए। एक आम्र कानन है, बड़ा आम का महाराज मजरा लगा हुआ है, चारों तरफ फल लगे हुए हैं, आम का एक विशाल वृक्ष है, सबसे ऊंची डाली पर आकर के एक चिल बैठता है। चिल बैठ के देखता है कि कहां कोई मूस मिले, कोई चूहा मिले तो उसको मार करके खाऊं। एक कीट आता है, वो बैठ के देखता है कोई मरा हुआ सर्प मिले तो उसको ले जाऊं। एक कबूतर आता है, वो कबूतरी को ढूंढता है। उसी समय एक सुख आते हैं तोता, वो ऊपरी डाल पर नहीं बैठते, पहले नीचे आते हैं, पेड़ की परिक्रमा करते हैं वृक्ष की, और परिक्रमा करके अपने वनस्पति शास्त्र के विज्ञ विज्ञता से जाकर के जो सबसे मीठा फल होता है उसके ऊपर अपने चंचू से प्रहार करते हैं, और चंचू से प्रहार करके उस आम के रस को स्वयं चखते हैं, और नीचे जो हजारों चेटा चेटी और कीड़े जो ऊपर तक नहीं पहुंच सकते वो रस जब टपकता है तो उस रस का वो भी पान करते हैं। वैसे ही महाराज हमारी तो गरिमा महिमा नहीं है, परंतु भागवत के इस मीठे फल में हमने चोंच मारा, हम भी रस पी रहे हैं, और जो अनाधिकारी भी हैं वो भी इसका रस पी रहे हैं। वरना भागवत का रस कौन पी सकता है, भागवत का रसास्वादन कोई साधारण कर सकता है, वो कृपा है सुखदेव की। ऐसे ही भैया ये जीवन है, इस जीवन में सबसे ऊंची डाली पेड़, वो डाली कौन सी है, बुद्धि की डाली है। बुद्धि की डाली पर बैठ करके जो केवल अपने भोजन और पेट की चिंता करता है वो चिल्ल है। जो गिद्ध की तरह बैठा हुआ मरे हुए चीजों के जुगाड़ में लगा हुआ है वो गिद्ध है। जो आकर के केवल वासना कुर्मी कलेवर कंचन के लिए बैठा हुआ है वो कौन है, वो कबूतर है। परंतु इस बुद्धि की डाली से नीचे उतरकर हृदय की परिक्रमा करके आत्मा के रस को स्वयं पी करके और सबको जो आत्मरस पिलाता है वो सुखदेव है। हमें सुखदेव बनना है, न चिल बनना है, न कीट बनना है, न कबूतर बनना है। बुद्धि का बात हम नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे आत्मा की बात। अगर सुखदेव की कथा है तो आत्मा की बात सुननी पड़ेगी।